guys, you all are very welcome to my channel Makeup Looks and Cooks. Guys, जो आज का वीडियो है ये वीडियो है एक रिव्यू और डेमोंस्ट्रेशन. Yes guys, मैं आपको डेमोंस्ट्रेशन दूंगी, रिव्यू भी दूंगी किसका, इस फेशियल किट का. ये जो फेशियल किट है ये है ओरिफ्लेम की तरफ से, जो कि है ओरिफ्लेम लव नेचर नरिशिंग फेशियल किट. और जो इसके मेन इंग्रेडिएंट्स हैं वो है पपाया और पाइनएप्पल. एज यू नो गाइस, पपाया और पाइनएप्पल ये है, ये बून है हमारे ब्यूटी वर्ल्ड का. ये हमारे जो पपाया और जो पाइनएप्पल होते हैं ये हमारी स्किन के जितने भी डेड स्किन होती है, डेड सेल्स होते हैं, उसको रिमूव करते हैं, हमारी स्किन को बहुत ही ग्लोई और बहुत ही ब्यूटीफुल बनाते हैं. आपको पता है कि पपाया हमारी स्किन का जो टैन होता है उसको नेचुरली निकाल देता है और हमारी स्किन को और भी फेयर बनाता है. अगर आपको टैनिंग प्रॉब्लम है, आपकी स्किन बहुत ही ज़्यादा डल है और स्किन पे अनइवननेस है, आपकी स्किन पैची है, ब्लेमिशेस है, तो ये किट आपके लिए बेस्ट है. और मैं इसी किट का आपको डेमोंस्ट्रेशन कम्प्लीटली स्टेप बाय स्टेप कि कैसे हमें ये फेशियल किट से आप अपने फेस पे फेशियल करना है या क्लीनिंग करनी है. गाइस, हमें हमेशा कन्फ्यूजन होता है कि क्लीनिंग और फेशियल में क्या डिफरेंस है. मैं आपको ये भी बताऊंगी कि क्लीनिंग और फेशियल में क्या डिफरेंस होता है, लेकिन ये मैं बताऊंगी आपको इस किट के डेमोंस्ट्रेशन के बाद. पहले मैं आपको इस किट का डेमोंस्ट्रेशन दूंगी कि इस किट को कैसे स्टेप बाय स्टेप करके दिखाऊंगी कैसे अपने फेस पर अप्लाई करना है. उसके बाद मैं आपको डिफरेंस बताऊंगी क्लीनिंग और फेशियल में क्या डिफरेंस होता है. तो हम स्टार्ट करते हैं इस वीडियो के साथ, जो कि है ये फेशियल किट, जो कि लॉन्च हुई है बहुत ही अभी. आई थिंक 2 मंथ हुए इसको लॉन्च हुए. ये आई थिंक लास्ट मंथ लॉन्च हुई है ओरिफ्लेम में. और ये जो किट है मैंने खरीदी है 1000 रुपीज में. यस गाइस, सिर्फ 1000 में. इसमें 4 प्रोडक्ट्स है, क्लेंजर है, स्क्रब है, फेशियल क्रीम है, मसाजिंग क्रीम और हमारा फेस मास्क. ये चारों चीजें मुझे 1000 रुपीज में मिली है. बट इसकी एक्चुअल जो आपकी MRP इसकी है वो इसकी MRP है 1700 रुपीज. ये देखिए गाइस, इसकी MRP जो है वो है 1700 रुपीज. तो लेकिन ये मुझे मिली है सिर्फ और सिर्फ 1000 रुपीज में, क्योंकि ये हमें ऑफर प्राइस में मिली है. इसका जो लॉन्चिंग प्राइस था वो था 1000 रुपीज, 999. उसमें मैंने ये किट पूरी फ्लेम से खरीदी है. अगर आपने नहीं खरीदी है गाइस, वेट, ऑफर आते रहते हैं ओरिफ्लेम में. बस आपको करना क्या है, ओरिफ्लेम की जो कैटलॉग्स होती हैं मंथली, आपको उनको चेक करना है, ताकि आप इसका अगर कभी भी ऑफर आएगा या आपके किसी भी फेवरेट प्रोडक्ट का ऑफर आएगा आप उसको देखें और उस मंथ आप उसको मंगवा लीजिए किसी भी कंसल्टेंट से, या अगर आप खुद एक कंसल्टेंट हैं तो आप वहाँ से खरीद सकते हैं ओरिफ्लेम से. तो इसके जो मेन इंग्रेडिएंट्स हैं वो तो मैंने आपको बताई दिए, पपाया एंड पाइनएप्पल. और इसके बारे में आपको मैं ज़्यादा क्या बताऊँ, सभी को पता है पाइनएप्पल और पपाया दे आर द बेस्ट इंग्रेडिएंट फॉर योर स्किन. ये आपकी स्किन को बूस्ट करते हैं, रेडिएंट बनाते हैं एंड दे डू लॉट ऑफ थिंग्स फॉर टू योर स्किन. आप खुद देखिए, मैंने इसका आपको डेमो करके दिखाने वाली हूँ. हर स्टेप मैं आपको हर एक प्रोडक्ट निकाल के उसको अपने फेस पे अप्लाई करके आपको दिखाऊंगी. ओके गाइस, लेट्स गेट स्टार्टेड. सो गाइस, स्टार्ट करते हैं अपना फेशियल यूजिंग ओरिफ्लेम न्यू फेशियल किट. ओके, तो मैंने इसमें से क्लेंजर निकाल लिया है. ये है क्लेंजर जो कि इसके अंदर दिया हुआ है. ये लंबी सी पतली सी बॉटल है, इस पे लिखा भी हुआ है नरिशिंग फेस वॉश. आप देख सकते हैं यहाँ पे फेस वॉश लिखा हुआ है. तो आपको इसको करना क्या है, पहले आपको वाटर लेना है और उसके बाद आपको इससे अपना फेस को वेट करना है, अपने नेक पर को भी वेट करना है. तो मैंने नेक एरिया अपने फेस को वेट कर लिया है. अब मुझे लेना है थोड़ा सा अमाउंट इस फेस वॉश में से, थोड़ा सा अमाउंट लेना है. ओके, उसमें से अब मुझे इससे अपने फेस पर मसाज करनी है सर्कुलर मोशन में. देखिए कैसे करनी है, स्लोली स्लोली बहुत ही जेंटल हैंड से आपको अपने फेस पर, नेक पर अच्छे से सर्कुलर मोशन में मसाज करनी है और जितनी भी डर्ट है आपको अपने फेस से उसे क्लीन आउट करना है. इससे क्या होगा, ये जो फर्स्ट स्टेप होता है फेशियल का, ये आपके फेस को अच्छे से क्लीन कर देता है और रेडी कर देता है आगे की प्रोसेस के लिए. अभी इससे क्या होगा, आपका पूरा का पूरा फेस और नेक एरिया क्लीन
हो जाएगा आगे की प्रोसेस के लिए। अच्छे से आपको इसको मसाज करना है, जैसे मैं आपको करके दिखा रही हूँ, यही वाले स्टेप्स करने हैं। सर्कुलर मोशन, नोज एरिया, अपर लिप एरिया, चिन एरिया, नेक, फोरहेड, आपको अपने आईज एरिया को अवॉइड करना है। अब मैंने अच्छे से मसाज कर ली है, अब मैं अपने फेस को वाटर से वॉश कर लूंगी। ओके गाइस, अब नेक्स्ट स्टेप है जो कि सेकंड स्टेप है, वो है स्क्रब। मैंने इस किट में से स्क्रब लिया है, आप यहाँ पढ़ सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है फेस स्क्रब। तो मैंने ये फेस स्क्रब लिया है, मैंने फेस वॉश करने के बाद पानी से वॉश किया, उसके बाद मैंने अपने फेस को वाइप नहीं किया है टॉवल से, मैं डायरेक्टली वेट फेस के ऊपर ये थोड़ा सा अमाउंट में स्क्रब लगाऊंगी। अब ये जो स्क्रब है ये जेल के टेक्सचर में है, बहुत ही प्यारा, बहुत ही ज्यादा डेलिकेट स्क्रब है, ये बिल्कुल भी हार्श नहीं है आपकी स्किन पर, आपकी स्किन को बिल्कुल भी डैमेज नहीं करेगा, आप बिल्कुल चिंता फ्री होके इसको अपने फेस पे अप्लाई कर सकते हैं। ये देखिए गाइस, मैंने अपने वेट फेस पर ये स्क्रब जो जेल बेस्ड है ये अप्लाई किया। ओह माय गॉड, दिस इज सो सूदिंग, ये बहुत ही ज्यादा सूदिंग लग रहा है, बिल्कुल भी हार्श स्क्रब्स जो मार्केट में अवेलेबल होते हैं उनकी तरह बिल्कुल भी नहीं है, बहुत स्मूथ, बहुत जेंटल है। जिनको डर लगता है स्क्रब से वो भी इनको इसको इस स्क्रब को बहुत अच्छे से यूज कर सकते हैं, दिस इज सो जेंटल ऑन माय स्किन, आई लव इट। आपको अच्छे से अपने फोरहेड पर, अपने नेक पर अच्छे से मसाज करना है, जिस तरीके से मैं कर रही हूँ लाइक दिस। ये स्क्रब क्या करता है, आपकी जो डेड स्किन होती है उसको रिमूव कर देता है, डेड स्किन होती है ना उसको, आपकी डेड स्किन को बिल्कुल अच्छे से रिमूव कर देता है, आपकी न्यू बेबी फ्रेश स्किन वापस जाती है और इसी वजह से आपका चेहरा बहुत ग्लो करता है। देखिए गाइस, सो स्मूथ, ये जो स्क्रब है बहुत स्मूथ है, तो ये जेल बेस्ड है, दिस इज द बेस्ट पार्ट, ये जेल बेस्ड है, आई लव इट। आपको अच्छे से अपनी नेक पर भी करना है इसको मसाज, नेक आपके फेस का पार्ट होता है तो आपको इसको बिल्कुल नहीं भूलना है, आपको अपने नेक को भी मसाज करना है, नेक को भी स्क्रब करना है, नेक को क्लीन करना है और नेक पे पैक भी अप्लाई करना है। आपको ये गाइस एक मिनट तक ये प्रोसेस करना है और उसके बाद आपको अपना फेस को वाटर से जैसे पहले वॉश किया था सिंपली रिंस ऑफ कर देना है अपने फेस को। एक मिनट जब आपका हो जाए बहुत ही जेंटली मसाज करते करते फेस पर, अपने आईज एरिया को अवॉइड करिएगा, आईज पर बिल्कुल भी अप्लाई नहीं करना है स्क्रब, सिर्फ नोज, चीक्स, चिन एरिया। इस तरीके से आप जल्दी से स्क्रबिंग करके रिंस ऑफ, अपने फेस को वाटर से रिंस कर लिया है, अब मैं इसको वाइप कर लेती हूँ। अब हमारा थर्ड स्टेप है वो है ये मसाज क्रीम, दिस इज आवर थर्ड स्टेप। ओके, इसके लिए हमें स्किन को ड्राई कर लेना है, मतलब टॉवल से पोंछ लेना है वाटर से रिंस करने के बाद। तो ये जो स्टेप है इसमें क्या करना है, हमें ये जो क्रीम दी गई है देखिए, ये है फेस क्रीम, इससे हम अपने चेहरे पर मसाज करेंगे बहुत ही जेंटली। वाओ, तो अब हमें थोड़ा सा लेना है क्रीम अपने हैंड्स पर और इसको अपने फेस पर टैप 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 करके अप्लाई कर लेना है, नेक एरिया पर भी, और अब सर्कुलर मोशन में क्रीम हमें अच्छे से मसाज करनी है लाइक दिस। ये क्या करता है, हमारे चेहरे को नरिश करता है, ये स्टेप हमारे चेहरे को बहुत ज्यादा, जो हमारी स्किन में ड्राइनेस होती है, स्किन में कोई भी इश्यू होते हैं, रेडनेस होती है, इसको बहुत ही अच्छे से दूर करता है और हमारी स्किन को स्मूथ, सॉफ्ट और सफल बनाता है, हमको अप डाउन नीचे से ऊपर की तरफ हमें इस तरीके से मसाज
मैच करनी है। हमारे फेस पे जो भी फाइन लाइंस होती हैं उनको डिसअपीयर करता है, हमारी स्किन को बहुत ही ग्लोई और बहुत ही स्मूथ प्लम्पी बनाता है। ये स्टेप बहुत इम्पोर्टेंट है गाइस। आपको तब तक ही क्रीम से मसाज करना है जब तक ये क्रीम अच्छी तरीके से हमारे फेस पर एब्जॉर्ब नहीं हो जाती। अच्छे से नीचे से ऊपर की तरफ हमें अच्छे से मसाज करनी है और नेक एरिया को बिल्कुल नहीं भूलना है। जब ये क्रीम अच्छे से पूरे फेस पे एब्जॉर्ब हो जाएगी, हमारी स्किन इसको एब्जॉर्ब कर लेगी, तो हमें अपना नेक्स्ट स्टेप अप्लाई करना है जो कि है एक फेस पैक। ये क्रीम अब पूरी अच्छी तरीके से मेरी स्किन पर एब्जॉर्ब हो गई है और अब मैं अप्लाई करूंगी फेस पैक। फाइनल स्टेप है वो है फेस मास्क। हमने अपने फेस को अच्छे से मसाज कर लिया है, उसके बाद हमारा लास्ट स्टेप देखिए, ये हमारा लास्ट स्टेप है, ये है फेस मास्क। इस पे अच्छे से लिखा हुआ है फेस मास्क, इसको आपको अप्लाई करना है अपने फेस पर। हमें करना क्या है, सिंपली अपने फेस पर थोड़ा सा मास्क लेना है और इसको अपने फेस पर अप्लाई कर लेना है। आई एरिया को अवॉइड करना है, आई एरिया पे ये मास्क अप्लाई नहीं करना है। अच्छे से अपने फेस को कवर कर लीजिए इस मास्क से। ये मास्क हमको तब तक अप्लाई करना है जब तक ये ड्राई नहीं हो जाता। जब ये कम्प्लीटली ड्राई हो जाएगा हम अपने फेस को वॉश कर देंगे पानी से, सिंपल वाटर से। जैसे अभी तक हम फेस को वॉश करते आ रहे थे, हम वैसे ही वॉश कर देंगे। हमने क्रीम से मसाज करने के बाद अपने फेस को वॉश नहीं किया है, उसके बाद डायरेक्टली अपने फेस पर ये मास्क अप्लाई किया है। आई एरिया को अवॉइड करना है, एज आई टोल्ड यू, आपको आई एरिया पे ये मास्क नहीं लगाना है। अपने नेक एरिया को बिल्कुल भी मत भूलिएगा। ये मास्क मैंने अपने नेक पर अपने फेस पे देखिए अप्लाई कर लिया है। जैसे ये ड्राई होगा मैं अपने फेस को सिंपल वाटर से रिंस ऑफ कर दूंगी। फेस वाटर से रिंस कर लिया है और आप देखिए मेरे चेहरे को, दिस इज सो ग्लोई, सो स्मूथ, माय स्किन फील्स सो प्लम्पी सॉफ्टियर। बहुत ही अच्छा लग रहा है मेरी स्किन को, बहुत ही रिफ्रेशिंग फील कर रही हूँ मैं। मेरे नेक एरिया, मेरा फेस बहुत ही ज्यादा ग्लो भी कर रहा है, आप खुद देख सकते हो कि मेरी स्किन। तो आप इसके आफ्टर इफेक्ट्स देख सकते हैं और बाकी इफेक्ट इसका हमें 2-3 दिन के अंदर देखने को मिल जाएगा। आप भी इंजॉय करिए ये फेशियल केयर जैसे कि मैंने करी है। मुझे बहुत ही मजा आया इसे घर पर यूज कर और मैंने बहुत ही ज्यादा पैसे बचाए हैं अपने। अगर मैं किसी पार्लर में जाती तो एटलीस्ट मेरे 1500 रुपीज लगने ही थे इस फेशियल में, लेकिन इस लव नेचर